अच्छा वैसे पम्मी तुम छनछन को जानती हो? बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी क्यूट है और हाय 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 उसकी आंखें देखी है तुमने? देखी है। उसके बाल देखे है तुमने? देखे हैं। छनछन जिस तरह से नाचती हो, तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं। दिखाओ तो छनछन कैसी दिखती है। वो देखो छनछन को, है तो बड़ी सुंदर। मिले जैसी छनछन और मानव को मिली है। दोनों को घर से बाहर निकाला गया है। झमाझम बारिश भी हो रही है, मगर दोनों का जज्बा तो देखिए। इस सजा में भी दोनों को बड़ा मजा आ रहा है। छनछन पर बारिश की बौछारें आ रही है तो मानव उन पर अपना साया कर रहे हैं। भाई ऐसा चाहने वाला तो किस्मत वालों को ही मिलता है। मेरे बापूजी हैं, मतलब बाकी मानव के दादाजी और मेरे पिताजी, उनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो अभी अभी वो हमारे घर आए हैं तो कुत्ते को देखते हैं तो बड़े नाराज़ हो जाते हैं और वो छनछन को सजा सुनाते हैं कि अगर कुत्ते के साथ रहना है तो तुम घर के बाहर रहो, बगीचे में रहो, खाना खाने रहो। तो फाइनली उनका भी दिल पिघलता है और वापस निकाल देते हैं। लगता है इनकी सजा पूरी हो गई। दोनों की ये हालत देखकर दादाजी का दिल भर आया और अंदर से आ गया दोनों को बुलावा। बुलावे पर छनछन तो घर में एंट्री कर गई, मगर ये क्या, मानव बाबू तो अड़ियल घोड़े की तरह चौखट पर ही खड़े हो गए, अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ बारिश हो रही थी और मेरे को कोल्ड भी हो गया, मैं अंदर आने लगता हूँ तो पहले सराया नाराज होती है, लेकिन जब मैं अंदर आने लगता हूँ तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। सही है मानव बाबू, आपका ये गुस्सा बिल्कुल जायज है। दादाजी को भी तो पता चले कि गुस्सा दिखाने के मामले में आप भी उनके पोते हैं। आज तक